क्या भयंकर एक्सीडेंट हुआ यार। दीपक, ये ऊपर से गिरी है, कैसे गिरी है भाई? भयानक एक्सीडेंट। एक्सयूवी है भाई, एक्सयूवी है ये, एक्सयूवी है भाई। रूपा गंडे भी है तुम्हारा। ये पंच मार दिया भाई ने। भायो भायो। वो सांस उठ गई। पहाड़ी चाय केसर वाली आप देख सकते हैं। होटल खोल दो, स्पा सेंटर बना दो, इससे इससे कोई मतलब नहीं भाई। भाई ये तो नोएडा दिल्ली में चल रहा है यार ऑलरेडी। ऋषिकेश में लाने का क्या जरूरत है? ऋषिकेश में लाने का क्या मतलब है भाई? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं और जो है हम लोग धनौल्टी में पहुंच गए। देख सकते हैं आप, स्नोफॉल हुई है और बर्फ घिस दी गई है। और गाइस अभी आप अभी हम लोग उठते हैं और चाय नाश्ता करते हैं और आपको बाहर का दिखाते हैं गाइस। और ये देख सकते हैं मेयर साहब हमारे ला नहीं पाए आज, तो चलिए चलते चलते। मेयर साहब के लिए गर्म पानी नहीं हो पाया आज, कोई होटल में कोई नहीं आएगा, ये मेयर साहब का एकदम संकल्प है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए गाइस आपको बाहर के दिखाते हैं और फिर मिलते हैं आपको वीडियो में। और वीडियो में धनौल्टी का पूरा आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, धनौल्टी में क्या क्या चीजें घूमने लायक है और कितना क्या लायक नहीं है यार। चलिए गाइस मिलते हैं, ठीक है, नाश्ता वास्ता करते हैं और निकलते हैं गाइस। तो जैसा कि गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने चेकआउट कर लिया होटल से, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? लोग चलते हैं इको पार्क में और आपको इको पार्क दिखाते हैं, यहाँ का कैसा सुंदर इको पार्क है, एक्सप्लोर करेंगे भाई। ये मानसा देखो कहाँ से निकलते हुए, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी तंदूरी नाइट्स से निकलते हुए आ रहे हैं वहाँ। जो नीचे बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है भाई साहब। क्या हो गया, ब्लेजर नहीं पहना तुमने? मेयर साहब कैसे लगेंगे फिर आप? मेयर साहब नहीं, कुछ नहीं रह गया, 24 रह गई होंगी। क्या रूपा गंडे भी है तुम्हारा? ये पंच मार दिया भाई ने। गाड़ी चाबी इनके पास है। सुनो दीपक, ऐसे देखो, ऐसे उतार के दिखा दिया करो, देख कौन सी ब्रांड है ये, रूपा है कौन सी है, दिखाओ। इसमें तेरा घर जाएगा, अंडरवेयर में तेरा घर जाएगा। काय बंद हो गया मुंह। तो देख सकते हैं आप, हम लोग धनौल्टी हाइट्स के पास, देखिए देखिए आपको दिखाते हैं धनौल्टी हाइट्स। क्या भाई वेदर है यहाँ का, क्या मौसम है भाई, देखिए व्यू, देखिए भाई गाइस व्यू देखिए यहाँ से। अरे बर्जित है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ बर्जित नहीं रहता बड़ा आगे से, इको समिति धनौल्टी भाई, ये सरकारी है। कैसी कौन सी चाय है? केसर की चाय है। अरे वाह, पहले चाय चाय देखिए, चाय बना लो चलो भाई। अब भाई केसर वाली चाय पिलाएंगे, सही कह रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सफ़ेद मूसली भाई, यहाँ पे सब चीज़ें ओरिजिनल मिलती हैं, देख सकते हैं आप, पहाड़ों की वैसे भी चीज़ें जो है ओरिजिनल ही रहती हैं। केसर की डिब्बी दिखाओ, हमें आइडिया ही नहीं केसर का, जरा केसर की डिब्बी दिखाओ, असली केसर होगा ये भाई, ये ओरिजिनल केसर है। वैसे हमें केसर का ज़्यादा आइडिया नहीं है, भाई साहब बता रहे हैं। ये देख सकते हैं आप खुशबू, देखिए हाँ भाई खुशबू, ये इतनी डिब्बी कितने रुपये की आती होगी भाई? 1 ग्राम 500 रुपए का। हाँ बहुत महंगा 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 केसर होता भाई, बहुत ज्यादा। ये 500 रुपए की डिब्बी है, इसमें तो ज्यादा है, इसमें ज्यादा रुपए की हुई भाई, 1 ग्राम छोटी सी डिब्बी आती है जो भाई साहब बहुत ज्यादा है। चलो छोड़ो चलते हैं, कितना ये इतनी ली है, देख रहा है जरा दीपक, देखो भाई देखो जरा केसर, देखो भाई लो दीपक, हाँ मेरे पे नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप, ले लो खत्म हो जाएगा पथरी। तुम्हारी तो पथरी नहीं है जी, देखिए मेयर साहब कहाँ बैठे हो, मेयर साहब कुर्सी बैठ गए, मेयर साहब कुर्सी बैठ गए, मेयर साहब कुर्सी बैठ गए। अच्छा असली केसर जो होता है ना उसकी, ये भैया बता रहे हैं, तो पहचाने इसमें डालेंगे अगर किसी भी मतलब वो एक चीज में डालेंगे तो पीले कलर का हल्का हल्का तड़ छोड़ता है। हाँ पीले कलर छोड़ता है अलग कलर, वैसे तो मार्केट में बहुत डुप्लीकेट भी आने लग गया है, लेकिन लेकिन असली केसर भाई पहाड़ों पे मिलता होगा बिल्कुल। क्यों ये शिलाजीत वगैरह भी जो है, हाँ, है आपके शिलाजीत इनसे पूछो, दिखाइए जरा शिलाजीत, दिखाइए जरा ये, तो ले चलिए थोड़ा अभी देखते हैं।
भाई ये रहा शिलाजीत, निकाल के दिखाइए। वैसे थोड़ा बहुत सही सी चीज लगी, खजूर का गुड़। ये दीपक पत्थर में है ये वाला, वैसा कैसे होता? नहीं पत्थर ही होता, पत्थर होता है, पत्थर ही होता है भाई ये। कैसा नहीं शिलाजीत है, सॉरी शिलाजीत, मतलब पत्थर में होता है ये। कैसे ना जैसे ड्रॉप बनती है, ड्रॉप वैसे बन के टपकता है ये। अगर आप दूध में मेल्ट हो जाए, गल जाएगी, दूध में पिघल जाएगी। अच्छा कितने रुपए का होगा ये? 500। ये 500 रुपए का। अच्छा चलेंगे, अभी देखते हैं, देख लेंगे। ये देखो खजूर का गुड़ भी है इनके पास, खजूर का गुड़। वाह, पहाड़ी मसाले, शुद्ध हींग भाई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो इस भाई उधर नहीं मिलता है, पहाड़ों में ओरिजिनल चीजें मिलती हैं भाई। पहाड़ी चाय केसर वाली आप देख सकते हैं। चलिए भाई केसर वाली चाय एंजॉय करते हैं। ये बनाया हुआ है आपने, बनाया हुआ है? चलिए गाइस दिखाते हैं आपको। हमारे मेयर साहब बेचारे अकेले बैठे हैं, हमारे मेयर साहब बेचारे अकेले चाय पी रहे हैं। सॉरी सर, चाय चाय कैसी सर? सर ब्रेड खिलाओ मिल गया तुम्हें इस्तेमाल के लिए? हम तो नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं, पेंगुइन ले रही है। एग वाला नहीं है, मेयर अलग से ही काम करता है, देख रहे हैं। चाय का एंजॉयमेंट ले रहे हैं भाई, पहाड़ों के वादियों में। केसर वाली चाय है, केसर वाली चाय भाई। इस शॉप पे आओ, दरवल्टी आओ तो शॉप पे जरूर आना, केसर वाली चाय जरूर पीना। सामने ही पार्क है, उसी के सामने ही है, मजा आ गया भाई। पार्क का बना हुआ पूरा पूरा हम लोगों का होटल सामने देख सकते हैं। मेयर साहब जी रहे, खास नहीं है, मतलब आपको आना है, रुक जाओ रुक जाओ, पैसा बहुत है तो रुक जाओ, दोनों उल्टी आके। और नहीं बहुत बढ़िया लगती है पता तुम्हें। आप देख सकते हैं हम लोगों ने किट कैट ले लिया, मेयर साहब के लिए किट कैट लिए गई है, रेड। यार सही में यार कैसी लगी आपको रजनीकंदा वाली चाय? ये पहली बार की है मैंने एक्सपेरिमेंट, ये चाय थी केसर वाली। किसने करवाया? ये तुम्हें करवाया? ये वाला नहीं, नाम बताओ। नहीं मेयर साहब ने नहीं, शौर प्रताप चौहान ने, डॉक्टर शौर प्रताप चौहान ने। इसमें क्या किया है, रजनीगंधा का जो मतलब प्लेन रजनीगंधा है वो इसमें डाल दिया 3-4 दाने। इतनी टेस्टी लग रही है भाई, इतनी टेस्टी, मतलब केसर फेल है इसके सामने यार। अच्छी नहीं लगती है। ये देखो हमारी जेब फटी हुई है, रजनीगंधा कहाँ से निकली है जाके। देखिए 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 कहाँ रजनीगंधा निकाली है। रजनीगंधा एक जड़ी बूटी है, ठीक है, इको पार्क हमारा ऊपर है, घूमते हैं चल के। क्या कर रहे हो यार ये? चलो गाइस नहीं रही ब्लॉग में, हिमांशु क्या नोटिस आया? अब नहीं आ सकते, वो अब गुस्सा हो गया, अब नहीं आ सकते। तुम लोग थोड़े पीछे खड़े हो जाओ, तुम लोग पीछे खड़े हो जाओ, अब बेकार हो जाएगी फोटो, अब फोटो बेकार हो जाएगी, फोटो नहीं ब्लॉग भी बेकार हो जाएगा। मैंने पीछा ही कूट रहा हूं भैया। यार पता शिवम भैया थोड़ा बाल ऊपर रखा करो। इको पार्क दिखाइए, चले आ जाओ, रुको आइए गाइस, आपको दिखाते हैं इको पार्क। चलो 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 चलो, मेयर साहब आगे चलिए, आइए गाइस आपको दिखाते हैं इको पार्क। मेयर साहब मोटे मत कीजिएगा भैया, यहां पे दिखाओ बंदरों से सावधान, पकड़ो बंदरों से सावधान। ये आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है भाई, कौन सा यार सामने वाला ब्रिज? ये ब्रिज है, ये ब्रिज कैसा है?
अब चालू है, पूछ लो मेयर साहब की लगी। मेयर साहब की तो नहीं लगी थी, पहले तुम चश्मा हटा लो तो अंकल आंटी में थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं आ पा। आंटी बोल रहे हो उनको। अरे मेयर साहब आ रहे थे, मेयर साहब ने दिया, मेयर साहब ने, मेयर साहब ने दिया। थैंक यू थैंक यू। भाई देख सकते हैं आगे का व्यू, हम लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं भाई। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये धनौल्टी जगह है और काफी शानदार वेदर है यहाँ पे। और ये भाई यहाँ पे मिल गए हम लोगों को, ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं तो भाई मिले हैं यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? शुभम। शिवम भाई हैं, काफी शानदार मैगी बना रहे हैं देख सकते हैं आप, बटर मैगी। तो शिवम भाई यहाँ के वेदर के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे वेदर कैसे कैसे चेंज होता है। वेदर यहाँ पे जनवरी में तो स्नोफॉल होता है और मार्च अप्रैल में भी ठंडा रहता है। तो अभी स्नोफॉल होने के आसार है बहुत, अभी मतलब 4-5 दिन के बाद यहाँ पे स्नोफॉल होता है। और दिसंबर में एंड में स्टार्ट होता है, मतलब ऐसे मानते हैं। हाँ, जब वीकेंड अभी स्टार्ट हो जाएगा न्यू ईयर पे तो तब ज्यादा। तो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे कैसे कैसे आते हैं, काफी भीड़ होती है? हाँ, न्यू ईयर पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 3-4 दिन बाद न्यू ईयर है भाई, जो धमाल यहाँ पर होने वाला है भाई, बता सकते हैं क्या कैसे क्या रहता है यहाँ पे? बॉनफायर वगैरह, भाई का कैंप भी है, अपने कैंप के बारे में बता दो। हमारे पास कैंप है मार्केट में और उसमें बॉनफायर डीजे वगैरह होता है, सब होता है भाई। और उसमें ओपन रेस्टोरेंट है, आप नाम बता दो। रामसुली रिसॉर्ट। कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे व्हीकल खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या फैसिलिटीज है, कैसे वो यहाँ पे सुविधा ये प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पे मतलब मैकेनिक होते हैं, वैसे मैकेनिक। अच्छा जी, लोकल मैकेनिक होते हैं और काफी मतलब अच्छा काम करते हैं गाड़ियों। अच्छा, तो उनके बारे में कैसे पता लगेगा नीचे मार्केट में जाकर के? अगर आपकी कैंप पे गाड़ी खराब हो गई तो आप लोकल लोगों की सहायता ले सकते हो। Okay. यहाँ के लोकल लोग काफी मतलब हेल्पफुल रहता है, काफी हेल्पफुल है, काफी हेल्पफुल है, ये चीज मैंने एनालाइज की है यहाँ पे, काफी हेल्पफुल है। अच्छा, स्नोफॉल के टाइम आपको भैया क्या क्या यहाँ पर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं? जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो फिर बेलचा लेके आगे आगे खोदना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपका रोड ब्लॉक हो गया हो, आपका रूट जो है ब्लॉक हो जाए, नीचे उतर ना पाए, कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है क्या? कभी कभी होता है, अब तो खैर आदत हो गई, आदत पड़ गई। आप ये देखिए ना, ये धनौल्टी का टॉप है एकदम जाके भाई की, यहाँ पे मेरे को ये लिखा, उसके अलावा कहीं कोई नहीं है भाई। तो भाई आप व्यू दिखाइए एक बार, व्यू दिखाओ, व्यू दिखाओ। ये जो मैगी में वेजिटेबल्स आपने यूज किए, ये वेजिटेबल्स कहाँ से, देहरादून वगैरह से आते हैं? यहाँ पर लोकल में ही यहाँ पर आप इसको मतलब मिल जाता है, क्रॉप होती है इसकी? नहीं, ये देहरादून से ही आता है। देहरादून से आता है तो आपका एक्सपेंसिव भी पड़ता होगा, क्योंकि ऊपर कॉस्ट जो है लाने में बढ़ जाता होगा काफी। थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, मतलब ये मान के चलो कुछ 10 रुपए का सामान 12-13 रुपए का। अच्छा अच्छा, सही बात है, नहीं सही कह रहे हो, ठीक है। लेकिन यार मैगी देखने बहुत शानदार लग रही है भाई, खा के बताते हैं कैसी है। चलो खा के बताते हैं भाई। मैगी कैसी लगी आप लोगों को यहाँ की? भाई स्मेल तो बहुत तगड़ी है और इको पार्क धनौल्टी का भाई घूम लिया, काफी शानदार हम लोगों का ट्रिप रही है ये वाली धनौल्टी की। और यहाँ से अब निकल रहा है, सामान वामान भी भाई हिमांशु भैया लेके आए हैं, देखो ये सामान टंगा हुआ है हमारे रास्ते के लिए, रास्ते के लिए भाई। लंबी ट्रिप होने वाली है, कुछ निकालो, लंबी ट्रिप होने वाली है। हम लोग देखो कहाँ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं हम लोग कहाँ जाते हैं, कुछ भी नहीं पता भाई कहाँ जाएंगे, वहाँ चलेंगे भाई। न्यू ईयर तक घूमते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे भाई, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी तो दिखाना आप लोगों को। चलो हाय बोल दो, राम राम बोल दो भाई गाइस। और हाँ, होटल जरूर दिखा देना। ये 500 का क्या हाल हुआ है भाई? क्योंकि भाई क्या तगड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा यार, पूरी गाड़ी खत्म हो गई है यार, मुझे लग रहा है यहाँ से गिरी होगी शायद। एक्सीडेंट के बाद जल गई है गाड़ी। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि भाई आप खाई देख रहे हैं यहाँ की कितनी ज्यादा खाई है, अगर कोई गिरा तो कुछ नहीं बचेगा नीचे, अगर कोई गिरा भाई कुछ भी नहीं बचेगा भाई। जब भी आए यहाँ पे सेफ ड्राइविंग करें और अल्कोहल पी के गाड़ी ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें भाई, ड्रिंक ही। हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव कोई मतलब नहीं करने का, सुंदरता है मैं मानता हूँ, और लोगों का होश भी खो जाता है भाई, भगानी है गाड़ी, ये करनी भाई। पहाड़ से गिर के आई है वाली गाड़ी, शायद आप देख सकते हैं जो वीडियो में मैंने गाड़ी दिखाई है भाई। तुम लोग बाहर निकल रहे हैं याशी करने के लिए, तुम्हारे माँ बाप घर पे वेट कर रहे हैं, वही इस चीज को लेके चलो थोड़ा सा। जब भी आए भाई सेफ ड्राइविंग करें और ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करें गाइस,
और बहुत अच्छी जगह है, आइए विजिट करिए, लेकिन सेफ जर्नी करिए। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ। तो भाई हम लोग मसूरी थे भाई, गाड़ी वाड़ी निकाल ले सब लोग, और मेयर साहब बीच में ऐसे बैठे थे। मेयर साहब बीच में ऐसे बैठे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हम लोग गाड़ी निकाल ले, तो मेयर साहब को एक लड़का देख रहा था, तो वो पता मेयर साहब को ही देख रहा था। मैंने उससे ये कह दिया कि गाड़ी दूर हट, तो छोटे भैया ने उससे कुछ कही फिर। और मेयर साहब, अगर मेयर साहब की लड़ाई हो जाती तो मेयर साहब क्या कैसे कहते हैं, मेयर साहब, मेयर साहब की लड़ाई हो जाती अगर मेयर साहब गाली भी देते, तीन चार बीट निकाल देते। तेरी माँ का मेयर साहब के पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट है जो अंदर से दिल से निकलता है। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे सुविधाएं जो आप ले सकते हैं एम्बुलेंस की, पुलिस की, इतने किलोमीटर्स पे है यहाँ पे। ये धनौल्टी रोड पे ही बीच में पड़ता है ये बोर्ड, आप देख धनौल्टी से हम 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर की अप्रोक्स चल के आए। तो गाइस हम लोगों की देखिए कॉफी आ गई है, अब वो कॉफी पीते हैं भाई, यहाँ से फिर निकलते हैं। छोटू भाई की तो कॉफी मुंह में लटक गई है पर जो भी कहो यार मजा आ रहा है। देख लो उधर क्या ही ले रहे होंगे। चलिए गाइस कॉफी एंजॉय करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ के लिए। कहाँ जाना है ये भी नहीं पता अभी भाई। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम लोग देहरादून से मसूरी की तरफ जाते हैं तो भोलेनाथ बाबा का बहुत ही ज्यादा आलिशान मंदिर पड़ता है। आप देख सकते हैं श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर का, ये इसका नाम है श्री प्रकाशेश्वर का। और आप देख सकते हैं मंदिर कितना बड़े उसमें बना हुआ है भाई। एक चीज और है, जो भोलेनाथ बाबा की जो शिवलिंग है वो पूरी रुद्राक्ष के मालाओं से बनी हुई है। चलिए गाइस अंदर का देखते हैं, दिखाने देते हैं कि नहीं, फिर इसके दर्शन करते हैं भोलेनाथ बाबा के, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं देहरादून के लिए। मिलते हैं आपसे देहरादून में। प्रसाद में चाय और पकौड़ी मिलती है, प्रसाद में यहाँ पर गाइस चाय और पकौड़ी मिलती है। चलिए गाइस जूते वूते भाई गाड़ी में ही उतार लिए हैं, देख सकते हैं, और मंदिर के दर्शन करते हैं। ओ भाई बहुत ठंडा यार। चलो वीडियो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार होटल मिल गया हम लोगों की पार्किंग में, गाड़ी लग गई है। और भाई बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है भाई ऋषिकेश में, और देख सकते हैं द वेलिना होटल है भाई, द वेलिना होटल है, इस पर आप आइए स्टे करिए आके, बहुत ही शानदार होटल है भाई लिया है हमने। आप इसका एंट्रेंस देख सकते हैं कितना लाजवाब एंट्रेंस है भाई, बहुत अच्छा सुंदर बना रखा है इन लोगों ने। देखिए आप यहाँ पर सेटअप्स वगैरह भी बना रखे हैं रिसेप्शन पे, और आप देख सकते हैं ये सोफे वगैरह भी इन्होंने डाल रखे हैं भाई। ये देखिए इन लोगों ने मैप वगैरह भी इन लोगों ने मेंशन किया हुआ, क्यों भाई ये कहाँ कहाँ का है क्यों। ये देख सकते हैं भाई हम लोगों ने अपना रूम लिया है भाई, यहाँ पे एक नंबर रूम है भाई। ये देखिए भाई रूम, ये हमारा रूम है, बहुत साफ सुथरा शानदार रूम ऋषिकेश में मिल गया भाई, देख सकते हैं आप रूम है भाई एक नंबर। ये देखिए भाई लाइटिंग वगैरह, ये देखिए आप वो सब छोड़िए आप ये जलाओ, देखो जलेगी जल जाए, अरे टूट रही है कर लेंगे व्यवस्था जल जाएगी सीधा। वॉशरूम देखिए भाई क्या बात है, क्या बनाया है भाई शानदार, 210 भाई सेम है भाई। हम चार रूम हम लोग भाई साहब, अभी तो जितने होटल रूम है सबका रूम नंबर 210 चल रहा है, और रैंडम है भाई, रैंडम कुछ भी नहीं देखा भाई। वाह भाई अपना नाम बता दो। सूरज। सूरज भाई तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर भाई सूरज भाई, और चलिए गाइस फिर चलते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं आपसे मॉर्निंग में, दिखाते हैं ऋषिकेश का क्या। तो ऋषिकेश के रोडों पे भाई टहल रहे हैं रात में, रात का सीन काफ़ी अच्छा है भाई साहब, आप देख सकते हैं भाई। एक चीज़ और जैसे कि उसमें जो लोगों के माइंड में होगा ना कि धार्मिक स्थल है, स्थल था कुछ नहीं रहा, स्थल था भाई, अब अरे चल रही है फुल अयाशी भाई, फुल अयाशी है यार यहाँ पे यार, कुछ नहीं है यार भाई धार्मिक स्थल पे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा फेल है इसके आगे ऋषिकेश के, हमें तो यही लग रहा है भाई, हमें लग रहा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले यही है भाई। मत साहब
क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सा झूला है? लक्ष्मण झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला के लिए निकलता है। गाइस आप देख सकते हैं ये है लक्ष्मण झूला और टाइम हो रहा है 11:30 के अप्रोक्स हो रहा है। भाई यहाँ पे 11:30 के अप्रोक्स कभी ना आए, लक्ष्मण झूला बंद हो चुका है इस टाइम। नदी आप देख सकते हैं बहती हुई, 11:30 के लमसम हो रहा है टाइम। इस टाइम बताना बस ये चीज़ है, 11:27 हो रहा है भाई। तो मे बी अगर आप लोग कोशिश करें 10 बजे से पहले आ जाए यहाँ पे लक्ष्मण झूला पे। यहाँ तक पहुँचे हो आप, कैसा लगा आपको? देखो लगा तो बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ ना। अब सुनो एक जगह पे आके रुके हम, ये देखो इस पर हाउस बना रखा है यहाँ पे लक्ष्मण झूला। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, सामने देखो मंदिर है, 100 मीटर की मंदिर है, ठीक है। अब आप देखिए गाइस यहाँ पे दिखा दो स्टैचू है, ये समझ लीजिए लक्ष्मण झूला के नियर बाय स्पा सेंटर है। आप क्या ही धार्मिक स्थल बचा है आप अंदाज लगा सकते हैं इस चीज। अच्छा भाई प्यार से बोल दो सब लोग फिर, जय श्री राम। तुम ये चीज देखो, नोएडा और ग्रेटर नोएडा फील लग रहा है यहाँ पे आने का। बर्बाद कर दिया किसी लोकल पर्सन से अगर पूछो लक्ष्मण झूला का, वो सबसे पहले बताता कैफे कहाँ पे आपको मिलेगा, वो सब बंद हो गया। अभी रास्ते में भाई एक लेडी मिली थी, बताओ उनके बारे में। भाई लक्ष्मण झूला कहाँ पे, कैसे बंद? लड़की मिली थी रास्ते में, वो जा रही थी, उससे पूछा कि भाई लक्ष्मण झूला कहाँ पे है, तो उसने पता क्या बताया? उसने सीधे ये बताया कि भाई आपके सारे कैफे सारे बंद हो चुके हैं, और कुछ आपको चाहिए वो मिल जाएगा उसका। तो मतलब लक्ष्मण झूला के बारे में उसने बोला ही नहीं, लोकल थी यहाँ की। अरे उसने ये बोला, हमें उसके बारे में नहीं पता, पर कैफे बंद हो गए इतना कंफर्म है, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। तो अगर मतलब इसे सुधारना है आगे चल के, तो आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब आगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? नॉर्म्स बनाने चाहिए कि इस एरिया में इतने कैफे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये चाह रहे हो कि यहाँ लिमिटेड होना चाहिए हर चीज लिमिटेड होनी चाहिए भाई, चाहे वो दारू हो, चाहे कैफे हो, चाहे स्पा हो, कुछ भी हो, सब चीज के एरिया बनाने चाहिए, सब चीज की जैसे हर जैसे सिटीज में। अगर आपको पूरा डेवलप ही करना है ना, इस हिसाब से गवर्नमेंट अगर छूटी दे रही तो इस हिसाब से करना चाहिए भाई। एग्जैक्टली हम थोड़ा सा सोचे, क्या है कि हम अगर जा रहे हैं तब उस पास चल पा रहे हैं, हम जाए ना ही बंद कर दे। हमारी जनता को और कोई मैसेज देना चाहोगे आप? एक चीज और बताने दी, ये एंट्री है मंदिर की, अब तुम खुद समझना। आप देखो यहाँ एंट्री पे है, कैफे चल रहा है, दारू चल रही है, ये देखिए सरकार कोई सी भी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मुख्यमंत्री में योगी ऐसा चाहिए बस, हर जगह सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री हमें योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। योगी है तो मुमकिन है, हम ऋषिकेश आना नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, ऋषिकेश आना नहीं छोड़ेंगे, आना है अपने प्रभु के लिए आना है। चलो गाइस, जो दिखाना था हमको, हमने आपको दिखा दिया है, बाकी आप लोगों को आप जो समझो आप भाई। गाइस गाइस जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, हम लोग जो है ऋषिकेश पहुंच गए, और हम लोग धनौल्टी से निकले थे। किस टाइम निकले थे? क्यों मेरे समझ से 2 या 2.5 घंटे अप्रोक्स लगा हुआ मैं यहाँ पहुंचने में, ऋषिकेश पहुंच गए। अप्रॉक्सिमेटली इतना ही टाइम लगता है। यहाँ का वेदर ठीक ठाक है, नॉर्मल वेदर है, वो भी दिसंबर में है, आप समझ सकते हैं। दिसंबर में वेदर नॉर्मल, खूब इंजॉयमेंट किया होगा। तो वीडियो जैसी भी अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और गाइस पूरा ओवरऑल बताइएगा इसमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ऋषिकेश की, आप क्या कहना चाहेंगे ऋषिकेश के बारे में? तो ये भैया ये देखो कुछ ना कुछ बताएंगे, इनको बताओ जी भाई, अपने मोजे सुखा रहे हैं यार, गीले हो गए पता है कैसे हुआ, क्या वहां पे चले गए थे, पानी भरा हुआ था कहीं पे, गलती से हमारा पैर पड़ गया वहाँ पे। बताओ बेचारे मोजे सुखा रहे हैं यहाँ पे, हीटर मंगवाए इनके लिए एक्स्ट्रा। अभी एक जोड़ी मोजे लेके चले घर से, क्या करें? कल दुकान ढूंढने के मंदिर में घूमे, ये बताओ। पेंगुइन भाई, इनका नाम पेंगुइन है यार। आज भाई व्हाइट कलर की जैकेट पहना हुआ था ये मैं, ये वाली ठीक है भाई, इन्होंने एक स्टैचू देख लिया ऐसे ही पेंगुइन का, तब से नाम पेंगुइन रख दिया है। और चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नई वीडियो के साथ आपके पास आएंगे, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम।